ये जगह मैंने आज से 2 साल पहले एक बार देखाया था। हजारों साल पुरानी पेड़ है यहाँ पे, जैसे चानू विलेज जाती है। मैं चौपनू गांव के स्कूल के आगे खड़ा हूँ। तो पहले ये चौपनू गांव की ट्रेडिशनल ऑरेंज फेस्टिवल का जो पहला रात जो है यहीं पे नाच गान हुआ करता था, तो उस वक्त ही गाना ये गाया करता था कि डोंहा ओ डोंहा ओ लंकोए हुआ तो डोंहा ओ। बार बार एक ही गांव में आने का तो समय नहीं मिलता है। आज चौपनू गांव में हूँ तो मैंने सारा समस्या क्या क्या है यहाँ का ये जानकारी जुटाने की कोशिश की। नमस्कार, वांचो मीडिया पे आप सबका स्वागत करते हैं। और आज 2024 के फ्राइडे 1 नवंबर, नवंबर के पहला तारीख, और इस वक्त हम चौपनू विलेज के अपर प्राइमरी स्कूल यानी कि मिडिल स्कूल के यहाँ पे आया हूँ। और मेरे साथ चौपनू गांव के जीवी है। नमस्ते। तो नमस्ते। तो आज हम दोनों ने सोचा कि थोड़ा सा स्कूल की साइड थोड़ा सा विजिट करते हैं। तो हमने देखा कि यहाँ पे स्कूल अभी नए एक बिल्डिंग बन चुके हैं, और दूसरे जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है अभी चल रहा है यहाँ पे नीचे। और बाकी मैंने हेडमास्टर, यहाँ के हेडमास्टर है, उनसे भी मिले और यहाँ का समस्या को जानने की कोशिश किया। तो ये बताया है कि अभी जो है यहाँ का तो 105 टीचर है स्टाफ टोटल, तो बाकी यहाँ का लोकल है तो वो दोनों टीचर अपना यहाँ का अपना ही घर में बैठते हैं। बाकी यहाँ एक क्वार्टर का नाम में 2 है, काफ़ी पुराना है, जो पीछे देख रहे हैं कोई हालत ही नहीं है। दूसरा जो हो गया, यहाँ में पानी सप्लाई नहीं आता है। पानी के लिए पानी का बड़ा समस्या है यहाँ पे, यहाँ में पानी का ज़रूरी है। और तीसरा हो गया आपका, यहाँ तो नेटवर्क ही नहीं है, होल चौपनू विलेज नेटवर्क नहीं है। BSNL का जो नेटवर्क बन रहा है क्या हो गया? BSNL का अभी बन रहा है लेकिन वो अभी नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है ना, एयरटेल का तो नहीं है? एयरटेल का नहीं है। तो बाकी जो है आप यहाँ ग्राउंड है, ये पीछे आप देख सकते हैं ग्राउंड है। और चौथा बात हो गया आपका, यहाँ से तवई से लेकर चौपनू गांव तक की जो रोड है वो PMJSY का अंदर का रोड था, जो काफ़ी ख़राब हो चुका है अभी। तो उम्मीद करता हूँ ये अरुणाचल सरकार इस बार तुरंत ये चौपनू गांव का जो रोड है उसको भी जल्दी बनाएंगे। और यहाँ चौपनू विलेज जो PMJSY रोड का वो अन पॉइंट से लेकर यहाँ स्कूल तक की जो रास्ता तो अभी तो बनाया ही नहीं है, पहले आर्ट कटिंग शायद थोड़ा सा गांव वाला कटा है। कैसे बनाएगा? गांव से गांव ना मिलेगा, वो बस वही है, कच्चा रास्ता है, अभी पूरा भूखा है, यहाँ ग्राउंड जैसा इस तरह से ही है। तो बाकी स्कूल का जो कंपाउंड आपने देखा तो मिड डे मील का जो घर है नहीं है, मिड डे मील का जो बनाया गया था शायद वो पूरा टूटा हुआ है, तो इस हाल में है। तो यहाँ हमारे अरुणाचल सरकार को देखने की बात ये है कि यहाँ में स्कूल बिल्डिंग तो बन रहा है, सही है, अभी एक हो गया दूसरा बन रही है। यहाँ टीचर क्वार्टर अच्छा से बनाना है, नया 2-4 और क्वार्टर का जरूरी है। यहाँ मिड डे मील का ये जरूरी है। और यहाँ बाउंड्री वॉल जो है पहले जब शुरू में बनाया गया था शायद अभी काफ़ी टूट चुका है, कहीं टूटा हुआ है, काफ़ी पुराना हो गया, तो अभी नया अभी बाउंड्री वॉल का भी जरूरी है। इसके साथ साथ यहाँ टीचर क्वार्टर तो स्कूल काफ़ी डिस्टेंस है, यहाँ पीछे आप देख सकते हैं ये किसी भी यहीं पे पढ़ा रहे हैं, यानी कि आंगनबाड़ी स्टूडेंट्स और बाकी क्वार्टर। और ये स्कूलों के बीच में जो CC टेप का ज़रूरी है और पानी का ज़रूरी है यहाँ पे, लाइट का तो जैसा दुनिया चल रहा है वैसे चल रहा है यहाँ, तो ये हाल है अभी। तो ऐसे में हमें यहाँ अगर टीचर पोस्टिंग भी होता है तो आजकल डिजिटल का ज़माना है, बिना नेट का कोई रहेगा ही नहीं। तो टीचर आ भी जाता है तो यहाँ रहने से भी उसका बिना नेट का रहना पड़ेगा, ऐसे में कोई भी रहना नहीं चाहेगा। तो
तो ऐसे में क्लास कैसे पढ़ेंगे, स्कूल कैसे चलेंगे? तो इसीलिए यहाँ में टीचर क्वार्टर तो है ही नहीं। पहले जब टीचर आया करता था तो यहाँ का जो लोकल टीचर है उनका ही घर में थेरा करता था, ऐसे बताया गया है। तो अभी टीचर क्वार्टर दो ही है यहाँ से, तो बाकी ये हाल है। तो चले आगे हम देखते हैं। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक बात है, यहाँ पे जो आंगनबाड़ी के जो बच्चे हैं जिसको अभी वेलकम तो किसी करके एक रूम यहाँ पे जीबी सर, इसके बारे में बताइए। आंगनबाड़ी में, आंगनबाड़ी तो अभी का हम लोग का गांव में तीन ग्रुप है, उसमें से सीरियल मतलब इन लोग का रूटीन बना करके बहुत अच्छी तरह से पढ़ा रहा है, बहुत अच्छा से पढ़ा हो रहा है, मतलब बच्चों को ठीक से पढ़ा रहा है इन लोग को। तो चलो मेले। तो ये जीबी सर और ये हेडमास्टर टीचिंग स्टाफ मिलके, मतलब ये गांव अथॉरिटीज वाले मिलके ये फैसला किया कि यहाँ में एक आंगनबाड़ी जो सेंटर तीन थो यहाँ में जो अपने गांव में, तो उस सेंटर को यहाँ में सब एक साथ पढ़ाया गया है। यहाँ में रोटेशन ऐसे जैसे कि पाँच दिन पार्ट वन का जो वर्कर्स हेल्पर्स वो पढ़ाएगा, अनदर पाँच दिन के बाद फिर दूसरा वर्कर्स, इसी तरह से तीन सेंटर का रोटेशन सिस्टम में अभी पढ़ा रहे हैं। अभी मैंने देखा कि बच्चों ये काफ़ी स्मार्ट है, अभी काफ़ी स्मार्ट निकला है। आज पहली बार मैंने देखा हूँ, जहाँ तक मैंने देखा है जो आंगनबाड़ी के बच्चे काफ़ी स्मार्ट है अभी, ओ आप खो खो पांडुसी काफ़ी अच्छे से पढ़ रहे थे। तो मैं चाहता हूँ हमारे वांचों के जितने भी गाँव हैं जो भी आंगनबाड़ी अभी क्लास ले रहे हैं, सबसे पहला तो बच्चों की पढ़ाई को लेकर ये आंगनबाड़ी ही है सबसे मेन देना है। आंगनबाड़ी लेवल से ही पढ़ाई अच्छा होना है, तभी प्राइमरी लेवल में अच्छा होगा, तभी सेकेंडरी लेवल में अच्छा होगा, तभी हायर लेवल में पढ़ाई अच्छा होगा। आंगनबाड़ी में लेवल में ही पढ़ाई अच्छा होना है। जैसे कि अभी चोपनू गांव में देखा तो बहुत लगता है बहुत ही अच्छा से पढ़ा रहा है। तो अभी बच्चा लोगों ने भी अभी पढ़ के सुनाया है वन टू को खो ओ आ, तो काफ़ी अच्छा था। चलिए देखते हैं आगे।
पत्थर है हमें ना, इसे खरा खरा पत्थर मिलेगा, तो यही है लंकोई हो। ऐसे पत्थर और भी है यहाँ पे आगे, तो लेकिन जंगल ढक रखा है। एक तो ये है, यहाँ पे एक है, वो आगे में भी है, वो उधर आगे में भी है, तो ये है लंकोई हो। पहले तो पहले ये चोपनू गांव की ट्रेडिशनल ओरें फेस्टिवल का जो पहला रात जो है यहीं पे नाच गान हुआ करता था, तो उस वक्त ही गाना ये गाया करता था कि डोंहा ओ डोंहा ओ लंकोई हुआ तो डोंहा ओ जनसम होनु, तो यही लंकोई हुआ है। यहीं पे गाना पहला फेस्टिवल का पहली रात यहीं पे शुरू किया करता था। गांव से काफ़ी दूर हाइट पे है, ये दूर नहीं हाई थे, लेकिन तो आजकल वो राजा घर के आगे जाती है, तो ये लंकोई हो है। तो मैंने कहा था यहाँ के यूथ लोगों को, पहले भी मैंने यहाँ पे एक बार आ चुका हूँ, तो इस पॉइंट को मतलब टूरिस्ट पॉइंट के लिए थोड़ा सजा के डेकोरेशन के साथ अच्छा से टूरिस्ट पॉइंट के लिए इसको बनाना है, तो ऐसा मैंने कहा था। आगे में भी है, ऐसे खड़ा खड़ा पत्थर मिलेगा, पता नहीं क्यों खड़ा है ये। पहले जब चोपनू गांव यहाँ पहले आए थे, माइग्रेट होकर आए थे कहीं से, तो पहले ये पत्थर गाड़ा गया था, खड़ा कर क्या गया था, तो उस वक्त की है ये, तो इसी के नाम से अभी लंकोई हो जो गाना है। तो ये लंकोई हो जो कभी भी ये कहानी तो कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला है, जब तक इंसान जिएंगे इस दुनिया पे तब तक ये लंकोई हो का जो कहानी है चलते रहेगा। तो आजकल ये नियम नीति जो है अभी धीरे धीरे छूटते जा रहा है, इसीलिए मैं कवरेज करता हूँ ताकि आने वाले पीढ़ी जो है इस लंकोई हो के बारे में थोड़ा जानकारी रखे। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ के चोपनू गांव के जो यूथ है इसी लंकोई हो गांव को और लंकोई हो को थोड़ा डेकोरेट करके टूरिस्ट पॉइंट प्लेस को बना कर रखना है। आजकल गवर्नमेंट से भी थोड़ा स्कीम वगैरह मांग के, हमारा मिनिस्टर साहब से मांग के थोड़ा डेकोरेट करके रखो, यहाँ से गांव से यहाँ तक सीसी स्टेप एक तो होना है, उसको अच्छे से जंगल क्लीन करके साफ करके रखना है, कुछ टूरिस्ट प्लेस के लिए थोड़ा बना कर रखना है सजा के। और इसका साथ एक है झांसी हो, नहीं झांसी हो जाक नहीं जूता, झांसी हो जाक रहे जूता, झांसी खो एक तो है, कल जो मैं गया था उस जगह को भी, और लंकोई हो झांसी खो, ये दो जगह यहाँ में एकदम खूबसूरत जगह है, आप लोग भी आकर देख सकते हैं। यहाँ पे भी है तो काफी जंगल हो रखा है, तो यहाँ अगर क्लीन करके साफ सुथरा करके टूरिस्ट के लिए इसको साफ सुथरा करके रखना है, तो बाहर से टूरिस्ट भी आएंगे यहाँ देखने के लिए। काफी और दो छः सात है ऐसे पत्थर, अभी तो नहीं है ये, हजारों साल पहले की है, हजार साल हो गया होगा, हाँ कम से कम 1200 साल पुराना है ये, 1200 साल। अगर कोई जाए तो यहाँ झुक काफ़ी है, झुक है यहाँ, क्योंकि यहाँ में गाय बकरा छोड़ते हैं ना, तो झुक बहुत है, तो निकलते हैं नीचे, कैथो भी लुआना है, दाव लो भी कैसे, तो कैथ लुआ नहीं।
चक्कर फिर सही। तो जब नू गांव के यूथ या यहाँ के गांव के अथॉरिटी कम से कम अरुणाचल सरकार से बात करके, हमारे नेताओं से बात करके, यहाँ का थोड़ा एक प्रोजेक्ट लाना है, ये गांव से लंकोई हों तक के एक सीसी स्टेप बनाना है और ये लंकोई हों को सजा कर रखना है और जानसी को ना, जानसी को जो कल हम गए थे वहाँ पे काफ़ी खूबसूरत जगह है, उस जगह को डेकोरेट करके रखना है, तभी टूरिस्ट आएंगे यहाँ। काफ़ी अच्छा जगह है, ठंडा जगह भी है और काफ़ी शांत जगह है। सिर्फ यहाँ पे आपको नेचर का ही आपको साउंड सुनाई मिलेगा, बहुत सबसे हाइट है ये चप्पू गांव का। वहाँ पे रास्ता को देखो, कैसे रास्ता नहीं चल रहा हम लोग, देखिए गांव में आने का तो समय नहीं मिलता है। आज चोबनू गांव में हूँ तो मैंने सारा समस्या क्या क्या है यहाँ का ये जानकारी जुटाने की कोशिश की। तो यहाँ देखा कि जो इलेक्ट्रिक जो है, जो करंट है, सप्लाई जो है, जब पहले फर्स्ट टाइम जो लगाया गया था इलेक्ट्रिक पोल हो, इलेक्ट्रिक वायर हो, सेम वही है, जिसका वजह से जब मौसम ख़राब होती है, हवा चलती है तो बार बार इसीलिए टूटता है। कहीं कहीं वायर जो है अभी पूरा टूटा हुआ है, कहीं कहीं टूट जाता है, तो इसलिए यहाँ का लाइट जो है काफ़ी प्रॉब्लम में रहता है। यह पोल जो है बार बार कहीं कहीं जो है गिरा हुआ है, ऐसा है, ऐसा बताया है गाँव वालों ने भी। तो ये इलेक्ट्रिक वायर और इलेक्ट्रिक पोल्स का 10-15 ईयर्स जितने भी टेन्योर होता है उसके हिसाब से उसको चेंज करना चाहिए, जो कि अभी तक जब से नया लगाया है तब से अभी तक कोई चेंज नहीं किया है, जिसका वजह से लाइट का बार बार प्रॉब्लम आता है यहाँ में। तो उम्मीद करता हूँ इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट आपका ये लाइट को एक बार देखें, इलेक्ट्रिक पोल और यहाँ के मेन लाइन को एक बार चेक करें तो सही रहेगा, ताकि यहाँ का चोबनू गांव वालों को लाइन करंट सही टाइम में मिले, बराबर मिले रहे। और आज मैं इसी कॉलोनी तरफ गया था, यहाँ से औदराखो चातंग जाती है, उस वक्त पे भी मैंने आज पहले बार मैं गया हूँ। बहुत बड़ा गांव है ये चोबनू, छोटा गांव नहीं है। यहाँ से जनसुख हो गया, स्कूल गया, लोंकुई हो गया, यहाँ जनसुख हो औदराखो वाले रास्ता क्या तुमने यहाँ किया कॉलोनी क्या है? कॉलोनी चैलाई कॉलोनी चोबनू गांव, नीचे तक मैं गया पैदल। सड़क आप देख ही रहे हैं, यहाँ से वालासिया और कमनू सीओ हेड क्वार्टर निकल जाती है, यही रोड है, तो अभी तक बना ही नहीं है। इसका कंडीशन आप देख रहे होंगे किस हालत पे है, तो इसको भी देखना चाहिए। यहाँ का जो वाटर सप्लाई है, यहाँ का अभी तक जब से बनाई है हफ्ता दिन पानी आया था ऐसा बताया गया है, इसके बाद अभी तक कोई पानी नहीं आ रहा है, यहाँ पे टैप पे कोई पानी नहीं है, पानी का यह समस्या है। तो उम्मीद करता हूँ पीएचडी डिपार्टमेंट एक बार देखिए यहाँ का वाटर सोर्स क्या है, यहाँ का लोगों को क्यों पानी नहीं मिल रहा है। वैसे तो ऑलरेडी बन चुका है सोलर सिस्टम जो ना, कहीं कहीं सुनने में आया है कि प्लेट टूटा हुआ भी है, कहीं कहीं प्लेट डिस्कनेक्ट भी कर रखा है, ऐसे भी सुनने को आया है, पता नहीं क्या समस्या है। तो यहाँ ना पानी है, ना यहाँ सड़क है, ना यहाँ स्कूल बिल्डिंग ठीक है, सारा समस्या यहाँ है। कुल मिला के चोबनू गांव में अभी भी बहुत बाकी है ऐसे गवर्नमेंट की तरफ से जो फैसिलिटीज जो देना है, जो डेवलपमेंट करना है, बहुत बाकी है अभी भी, ताकि आने वाले जो बच्चे हैं, आने वाले पीढ़ी जो है अच्छे से स्कूल जाए, अच्छा से एजुकेशन सेक्टर में जाए, अच्छा से स्कूल पढ़े, अच्छा से अपना ज़िंदगी बिता सके। जो अभी जो जी रहे हैं काफ़ी तकलीफ के साथ अभी जी रहे हैं, इन सब समस्याओं से जूझना ना पड़े आने वाले पीढ़ी, इसीलिए अभी बहुत ही जल्द यहाँ पर डेवलपमेंट लाना होगा। कई अलग अलग बहुत सारे यहाँ पर स्कूल से लेकर सड़क, सड़क से लेकर पानी, पानी से लेकर लाइट, लाइट से लेकर सारा समस्या यहाँ पे है अभी भी। तो यहाँ के गांव के अथॉरिटी
आप लोग भी जोर लगाइए, यही रिक्वेस्ट है चोपनो गांव वालों से और गवर्नमेंट से मांग कीजिए कि जो भी हो सकेगा यहाँ पे तुरंत डेवलपमेंट लाइए, क्योंकि ये काफी पुराना गांव है ये चोपनो गांव। कम से कम अभी 1200 साल 1300 साल पुराना गांव है ये मेरे अंदाजा, लेकिन एग्जैक्टली कितना है पता नहीं, लेकिन मेरे अंदाजा ये आज सुबह बुजुर्ग से मैंने बात किया था तो उसके हिसाब से ये 1200-1300 साल पुराना गांव है। अभी चोपनो गांव से अभी शिफ्ट हुए, अभी कमनू है, औजोक है, वाला से है, कई अलग अलग सारे 4-5 गांव और भी है, तो ऐसे बहुत बड़ा गांव है। तो इसी तरह से मैं सिर्फ जैसे कि चोपनो जाना है तो चोपनो गांव गया, किसी अथॉरिटी पासन से मिला, उसका बाइस ले लिया और आप लोगों तक पहुँचा दिया, ऐसे नहीं करता हूँ मैं। जिस गाँव में भी जाता हूँ कोने कोने तक मैं पैदल करके खुद पैदल जाके ग्राउंड जीरो तक चेक करता हूँ, देखता हूँ कि यहाँ का समस्या क्या है। जैसे कि आज मैंने स्कूल गया, जनसुख हो गया, लंकुए हो गया, ये एक दूसरा कॉलोनी गया, इसी तरह से मैं पैदल मार्च करके खुद ग्राउंड पे देखता हूँ, क्योंकि रियलिटी इसमें प्रॉब्लम कहाँ है ये मैं देखने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे एक सुबह मैंने यहाँ जहाँ पानी टैंकी है, वाटर टैंक, वहाँ में भी जाने की कोशिश किया था, लेकिन तब तक धूप भी नहीं था, मौसम भी खराब था, तो जंगल हो रखा है, तो मैं नहीं जा पाया। लेकिन इसी तरह से मैं ग्राउंड जीरो से जाके खुद जाके देखता हूँ, फिर आप लोगों तक रिपोर्ट पे